आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के गुवाहाटी में कहा, ये रैली ऐसे समय में है जब पूर्वोत्तर के राज्यों में नए नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा, नफरत और गुस्से से असम आगे नहीं बढ़ेगा, खुशी और दुख में मैं आपके साथ खड़ा हूं। बीजेपी युवाओं को मारना चाहती है, बीजेपी हमारी संस्कृति और इतिहास पर हमला कर रही है। आज भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पीएम मोदी का काम नफरत फैलाने वाला और देश को बांटने वाला है। उन्होंने कहा कि असम को नागपुर नहीं चलाएगा, असम को आरएसएस की चड्डी वाले नहीं चलाएंगे, असम को असम की जनता चलाएगी। मैं आपको यहां बता रहा हूं और सीधी बात कर रहा हूं, हम बीजेपी को आरएसएस को असम की हिस्ट्री भाषा संस्कृति पर आक्रमण नहीं करने देंगे। असम को नागपुर नहीं चलाएगा, असम को आरएसएस के चड्डी वाले नहीं चलाएंगे, असम को असम की जनता चलाएगी। यहां से राहुल गांधी ने कहा, चुनावों से पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आए तो असम में एक बार फिर हिंसा होगी, दुख की बात यह है कि सच हो गया। उन्होंने कहा, असम में 15 साल पहले आया था, तब मुझे राज्य की संस्कृति के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आप सभी से मिलने के बाद ही मुझे असम के महान इतिहास और विरासत के बारे में पता चला। राहुल गांधी ने कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे आपके राज्य के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैं कम से कम आपकी जड़ों को जानता हूं। मैंने असम में भाईचारा और सबको साथ लेकर चलना सीखा है। आज मैंने आपकी धरती के बेटों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। मुझे डर है कि एक बार फिर असम बीजेपी की हिंसा के चक्र में फंस सकता है। आपकी ताकत आपका भाईचारा है, कभी यह मत सोचिए कि असम नफरत से आगे बढ़ सकता है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस आज अपनी पार्टी के स्थापना दिवस को भारत बचाओ संविधान बचाओ के रूप में मना रही है। इस मौके पर दूसरों पर चिंता व्यक्त करने के बजाय कांग्रेस स्वयं अपनी स्थिति पर आत्मचिंतन करती तो यह बेहतर होता, जिससे निकलने के लिए उसे अब किस्म किस्म की नाटकबाजी करनी पड़ रही है। दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, भारत बचाओ संविधान बचाओ की याद कांग्रेस को तब क्यों नहीं आई जब वह सत्ता में रहकर जनहित की घोर अनदेखी कर रही थी, जिसमें दलितों पिछड़ों व मुस्लिमों को भी उनका संवैधानिक हक नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण ही आज बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, तभी फिर बीएसपी को भी बनाने की जरूरत पड़ी। प्रियंका ने कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस पर यहां आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, एक दमनकारी विचारधारा है, आज भी हम उसी से लड़ रहे हैं जिससे हम आजादी के समय लड़ रहे थे। जिन्होंने आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं दिया, वे देशभक्त बनकर देश भर में भय फैलाना चाहते हैं, देशभक्त के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। उन्होंने कहा, दूसरी पार्टियां सरकार से डर रही हैं, वे कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस को संघर्ष की चुनौती स्वीकार है। आज भी हम उसी विचारधारा से लड़ रहे हैं जिससे हम आजादी के समय लड़े, जिन्होंने आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं दिया, आज वही देशभक्ति का नाम लेकर अपने आप को देशभक्त कर कहके देश भर में भय फैलाना चाहते हैं, देश भर में फूट फैलाना चाहते हैं। तलाक बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलाक पीड़िताओं से मुलाकात की थी और उनके सामने पेंशन देने का वादा किया था, हालांकि तब राशि तय नहीं हुई थी। अब वित्त मंत्रालय ने 6,000 रुपए सालाना की राशि तय की है। जानकारी के मुताबिक नए साल में यह राशि मिल जाएगी, इसके बाद अगले वित्त वर्ष में इसके लिए अलग प्रावधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में 273 तीन तलाक के मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले यूपी सरकार तीन तलाक पीड़ित महिलाओं का मुकदमा निशुल्क लड़ने का भी ऐलान कर चुकी है, इसके लिए गृह विभाग व्यवस्था बना रहा है। इस साल 25 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं से संवाद कार्यक्रम में कहा था कि जिनके पास आवास नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास या फिर मुख्यमंत्री आवास से घर दिया जाएगा।
इन परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना या फिर मुख्यमंत्री आरोग्य योजना से स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। वक्फ संपत्तियों में भी उन्हें कैसे हक मिले, इसके लिए कार्य योजना भी यूपी सरकार बना रही है। पीड़ित हाथ से पीड़ित और पतियों के द्वारा छोड़ी गई यानी परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्वास से संबंधित है, जिसमें ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके उन्हें 6,000 रुपए सालाना सरकार के द्वारा अनुदान देने की व्यवस्था अलग से किया जाए, जिससे सरकार हर साल उनके पास हर महीने आते पैसा उनके खाते में सुनिश्चित करे। और ये प्रक्रिया जब तक उन्हें न्याय नहीं जाता तब तक इसको आगे बढ़ाइए। हर उस पीड़ित महिला को मिलना चाहिए जो अपने पतियों के द्वारा परिवार के द्वारा सताई गई है। मध्य प्रदेश को इस समय हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल इलाके में ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा है। ग्वालियर शहर में तापमान 3.3 डिग्री से 4 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। इंदौर में पारा 6.6 डिग्री दर्ज हुआ है। बालाघाट में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड की वजह से फसलों पर पाला पड़ने का खतरा बढ़ गया है। भोपाल में भी ठंड ने बुरा हाल कर रखा है। पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान 1 डिग्री के आसपास टीकमगढ़ में दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है आने वाले दिनों में पारे की गिरावट जारी रहेगी, मावठा भी गिर सकता है। प्रदेश में आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड की आशंका है। 31 दिसंबर तक 1 जनवरी को बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। उत्तर पश्चिमी की ओर से चलने वाली ठंडी हवा नीचे की तरफ बह रही है, इसके चलते प्रदेश में तापमान में अचानक से गिरावट आई है। टीकमगढ़ में पारा जहां 1 डिग्री रहा, वहीं छिंदवाड़ा में 4.8, शिवपुरी में 5, खंडवा में -7, ग्वालियर में 3.3, गुना में 5.2, उज्जैन में -5, सागर में 4, रायसेन में 3.2, दमोह में 2.5, नौगांव में 3.1, होशंगाबाद में 8.4, बैतूल में 2.8, पचमढ़ी में 1.2, दतिया में 3.3, शिवपुर में 3.4 डिग्री दर्ज किया गया है। छतरपुर में मौसम में आई ठिठुरन से जहां लोग घरों में दुबके रहते हैं, कोहरे का आलम ऐसा है कि दोपहर तक कुछ नजर नहीं आता। वहीं विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में इस समय पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। सभी होटल अभी से बुक हैं। मौसम में घने कोहरे की वजह से लोग घर से निकलने से डर रहे हैं। वहीं खजुराहो में पर्यटक सुबह से ही घने कोहरे में मौसम का मजा लेने निकल पड़ते हैं। I'm enjoying this country. I like it. It's very interesting. More than I been expected. इतना ही नहीं, जहां जबरदस्त ठंड पड़ रही हो तो पर्यटक चंदेलकालीन मंदिरों को देखने मंदिरों में जा रहे हैं। ठंड के चलते यहां के टूरिस्ट गाइड भी बड़े खुश हैं। उनका मानना है कि ठंड में इतनी ठिठुरन के बाद भी पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। सभी देशी विदेशी पर्यटक इसका मजा ले रहे हैं। वहीं पर्यटक भी मौसम की ठंडक से खुश हैं। फोगी वेदर में मतलब कि इतने कोहरा छाने के बावजूद भी अपने यहाँ खजुराहो में ये पर्यटक आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दमोह से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक छोटे मासूम बच्चे का एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक पुलिस वाला हैवानियत पर उतारू है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब पुलिस कांस्टेबल बच्चे की पिटाई कर रहा था, उस दौरान कई अन्य पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने हुए वहां खड़े थे, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और पत्थर का खेल होगा। हेलो, बोलो। बस लगी है गुल्ली, झगड़ा होगा, होते 3 गुल्ली पे आ रहा है भाई। बताई
दमोह एसपी विवेक सिंह ने इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए दो कांस्टेबल महेश यादव और मनीष गंधर्व के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस पूरी घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट कर इसके जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने लिखा, दमोह में एक मासूम बालक की पिटाई का एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। इस पूरे मामले की जांच के आदेश पुलिस प्रशासन को दे दिए गए हैं। जांच में जो भी दोषी सामने आए उस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इस तरह की हैवानियत से भरी घटनाएं मानवता को तार तार करती हैं, वह बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ना ही इसके दोषियों को बख्शा जा सकता है। एसपी ने बताया कि किस बात पर मासूम की पिटाई की गई ये बातें अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों को पुलिस की तरफ से समन भेजा जा चुका है। वीडियो में सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति को अन्य वर्दीधारी कर्मियों के साथ एक लड़की की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि वीडियो दमोह के कोतवाली थाने में 9 दिसंबर को शूट किया गया था, जहां बाल सुधार गृह सागर से भागे एक मासूम को पुलिस ने पकड़ा था और पूछताछ के नाम पर उसे बेरहमी से पीटा गया। एक वीडियो है जो कि संभवतः दिखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोतवाली दमोह थाना परिसर का है, और जिसमें दो व्यक्ति सिविल ड्रेस में संभवतः आरक्षक है, वो एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं और जिसके आधार पे उनकी पहचान कराई गई, तो उन दो आरक्षकों को अभी लाइन अटैच किया गया है और SDOP तेंदुखेड़ा को इनकी जाँच दी गई है। जाँच के आधार पर जो पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। इसमें टीकमगढ़ में बड़वानी लखवारा रानीपुर से आए ग्रामीणों ने कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान ज्ञापन देकर वन विभाग की लापरवाही और बंधिया जाति के युवकों द्वारा जानवरों के मारने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि वन क्षेत्र मधुबन में कुछ बंधिया जाति के युवक खाने में विस्फोटक मिलाकर जंगल में रख देते हैं और जब भी कोई जंगली जानवर या पालतू जानवर उसको खाता है तो उसके मुंह में विस्फोट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जंगल में जाकर जब इसका मुआयना किया गया तो घटनास्थल पर कई जानवरों की लाशें पड़ी मिली, जिनके मुंह उड़े हुए थे और उनकी लाश वहीं पड़ी हुई थी। कई लाशों को कुछ बंधिया उठाकर ले गए थे। पहले तो सर पाल समाज की बकरियां भेड़े पकड़ के काटते थे, उन्हें खा जाती थी, और यदि कोई उन पर दबाव बनाता था तो लड़ने के लिए मारने के लिए तैयार हो जाती थी। अब ये हथगोला बना के वो जगह जगह रखने लगी है, जिससे गाय भैंसे और जानवर मारे जा रहे हैं। इसकी हमने कलेक्टर को आवेदन दिया था कि सर यदि इस प्रकार का आतंक इन लोगों द्वारा किया जाए तो हम लोगों के 10-20 गांव जैसे लखौरा, बड़माड़ी, बहादुरपुर, मोहनपुरा, हजूरी नगर और टीकमगढ़ से लगा हुआ जो मधुबन का क्षेत्र है, जीना दूभर हो गया है। इस मामले में कहीं ना कहीं वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही नजर आती है। जब इस संबंध में एरिया रेंजर को फोन पर संपर्क किया तो सभी के मोबाइल बंद पाए गए। 2 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सिंगर से बात की गई तो उन्होंने अपने बीट निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने की बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों में कुछ बंधिया शिकारियों को लेकर भय व्याप्त है। जानकारी के अनुसार बंधिया समाज का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जिले के कई थानों में कुछ बंधियाओं के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि ये मधुबन के मावंग गांव के पास के जंगल से के क्षेत्र में इस तरह की सूचना मिली थी मीडिया के माध्यम से, तो उसके संबंध में तत्काल अपने SDO टीकमगढ़ को अधिकृत किया हुआ है, निर्देशित किया हुआ है कि वो उसकी तत्काल जांच करें और यदि ऐसा कोई पाया जाता है तो तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। चिल्ला जवा मार्ग पर RTO कर्मचारी कुछ प्राइवेट लोगों के साथ वाहनों से अवैध वसूली कर रहे हैं। वाहन चालकों का आरोप है कि उनके पास वाहन और माल से संबंधित सभी दस्तावेज होने के बावजूद भी RTO चेकिंग के नाम पर ट्रकों से वसूली करते हैं। शिकायत करने पर RTO कर्मचारी उनके वाहनों को बंद कराने की धमकी देते हैं, जिससे डरे वाहन मालिक और चालक अवैध वसूली होने के बावजूद इसकी शिकायत नहीं करते।
गाड़ियाँ जा रही हैं बॉर्डर पे से पैसा लेते हैं और वहाँ से आके यहाँ गाड़ी रोक रहे हैं, पैसा मांगते हैं। कल गाड़ी गई थी उससे 3500 रुपये दिए थे। 5-6 गाड़ियाँ छोड़ी है, महाकालेश्वर की छोड़ी है, और एक गाड़ी जा रही थी सीमेंट भर की उससे 15,000 लिए हैं। एक पिकअप जा रही थी उससे 5,000 लिए हैं। बोले कि पिछला पैसा बाकी है, पिछला दो, पिछला नहीं दे रहे हो, दिक्कत हो। पिछला पहले महीना देते थे, बॉर्डर से गाड़ी चलती थी 10,000 रुपये महीने। ग्रामीणों ने बताया कि आरटीओ कर्मचारी मार्ग से गुजरने वाले ट्रकों को रुकवा कर एंट्री नहीं जमा करने पर ट्रक खड़ा कर लेते हैं। कर्मचारियों के साथ कुछ अन्य लोग मौजूद रहते हैं जो पैसों के लेन देन का काम करते हैं। हमारे सामने ही कई गाड़ियों से 5,000 रुपये लेकर छोड़ दिया गया। जो पैसा नहीं देते उसकी गाड़ी की हवा निकाल दी जाती है। उधर प्रधान आरक्षक का कहना है कि जिन वाहनों के दस्तावेज सही नहीं हैं उन्हें ही रोका जा रहा है, जिनके दस्तावेज सही हैं उनको छोड़ दिया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मात्र उसमें एक कर्मचारी थे आरटीओ से संबंधित, लेकिन उसमें लगभग दलाल टाइप के, वहाँ पे गुंडे टाइप के ऐसे लग रहे थे, ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि मतलब वो गुंडे ही हैं। तो मतलब आरटीओ से विभाग से मुझे ऐसा प्रतीत होता था, एक कर्मचारी खाबस हो गया और बाकी सब दलाल थे, और वहाँ पे गाड़ी को रुकवाते थे, ट्रक को रुकवाते थे, चार पहिया को रुकवाते थे, जैसे मार्कल हो गया, फ्लोरो हो गया, और रुकवाने के पश्चात उनसे पैसा की वसूली करते थे, यहाँ तक कि बदतमीजी करते थे, वहाँ की जनता को भी गाली गलौज करना और गाड़ी का हवा निकालना, हवा निकाल दे रहे थे। जो भी कह कि अपना पूरा रिकॉर्ड दिखाते थे, पूरा रिकॉर्ड कम्प्लीट होने के पश्चात भी वो पैसा वसूल रहे थे। कई दिनों से चालू है कलेक्टर साहब का और प्लस आरटीओ साहब का ऑर्डर है, और उसी के मुताबिक जांच चल रही है। अब आज एक दो का रसीद कटी है, अभी ये मिल गए। नहीं, रसीद काटने के बंद करने की आपको गाड़ियां ओवरलोड की गई, अभी तो ये पहला है। कुछ ट्रक और भी आए थे, रुकवाए थे आप उनको, वो चले गए। जिसके कागज कंप्लीट रहते हैं, जो आमने सामने मिलता है, जिसको रोकते हैं, जिसके कागज सही रहते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। ये तो कलेक्टर साहब का और आरटीओ साहब का ऑर्डर है, उनने मार्च तक के लिए दिया है, मार्च तक चलेगा ये। छतरपुर में सागर लोकायुक्त पुलिस ने नेशनल हाईवे के मैनेजर को 1,00,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी मैनेजर सुरेश कुमार अग्निहोत्री सागर जिले के कर्रापुर में आवेदक गणेश कोरी से पेट्रोल पंप की एनओसी के नाम पर 1,00,000 की रिश्वत ले रहा था। उसी समय सागर लोकायुक्त पुलिस ने उससे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त पुलिस यह जानकारी लगा रही है कि आरोपी मैनेजर ने 2 दिन में कितने लोगों को एनओसी जारी की है, जिसमें आरोपी ने कितनी रिश्वत एनओसी जारी करने में ली होगी। मैंने एस के अग्निहोत्री जी ने मेरे से 1,50,000 रुपये मांगे थे, मांग करी थी 1,50,000 रुपये की, बोले जिसमें बाबू को देना पड़ता है कुछ मेरा साहब नहीं, उनका मतलब इस तरीके से जिक्र किसी का नाम लेके नहीं दिया, बोले बाबू लोगों को देना पड़ता है, लोगों को देना पड़ता है। तो मैंने लोकायुक्त महोदय से शिकायत करी कि साहब ऐसा ऐसी बात है, ये यहाँ से मेरे को बैठा के ले गए थे, बस स्टैंड तक जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी रोकी थी जहाँ पे भी मतलब उसी टाइम सब लोग आ गए। पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर आरोपी का कहना है कि उसे फंसाने के लिए ये कार्रवाई की गई है, उसने किसी तरह की रिश्वत की मांग नहीं की है। नहीं, हमने नहीं ली, वो तो छोड़ने जा रहे थे, बोले कि चाय आए, उधर से आए हैं, बस स्टैंड छोड़ देते हैं, चलो जी एक से चाय हो जाएगी, आज खाना खाया नहीं था, साहब के साथ चाट खाई थी तो चलो भूख लगाई, तो मैंने कहा चलो एक इडली खा। नहीं नहीं, कोई किए ही नहीं है, मतलब जो भी किया है ऐसे कर भी दिया, किसी में नहीं लिया। उधर गाड़ी में हम छोड़ने गए, हम तो अपने भाई साहब के साथ में वहाँ जाने वाले थे, और इनने मतलब बस स्टैंड के चक्कर में छोड़ दिया कि भैया लेने चलते हैं, लेकिन बैग में ये जो भी हमें कुछ भी नहीं मालूम, नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं। आज हमने NHAI के मैनेजर अग्निहोत्री को 1,00,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आवेदक गणेश कोरी द्वारा जो है 23 तारीख को शिकायत की थी कि जो उसका जो पेट्रोल पंप है कर्रापुर में, उसमें NOC जारी करने के लिए NHAI के मैनेजर द्वारा 1,50,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसको हमने तस्दीक किया, सही पाया, सही होने पे आज हमने टेप की कार्रवाई की और 1,00,000 की रिश्वत लेते हुए SK अग्निहोत्री सुरेश कुमार अग्निहोत्री क्या है, ये मैनेजर हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में।
भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक वुडन फैक्ट्री में सुबह आग लग गई। आग बढ़ने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना मिलने पर आधा दर्जन दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई। आग इतनी विकराल थी कि दूर से लपटे देखी जा सकती थी। दमकल कर्मियों ने पानी की लगातार बौछार कर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान नगर निगम फायर ऑफिसर रामेश्वर नील भी मौके पर पहुंचे और फायर कर्मियों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुट रहे। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस जगह पर आग लगी उससे सटी कई झुग्गियां थीं जो आग की चपेट में आ गईं। हालांकि निगम के फायर कर्मियों ने हिम्मत दिखाते हुए झुग्गी में फंसे लोगों और उनकी गृहस्थी का सामान भी बाहर निकाला। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। सिंगरौली में बैढ़न जनपद पंचायत के धनहरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में बनाए गए मुक्तिधाम की गुणवत्ता सही नहीं होने की वजह से उसकी दीवार गिर गई। मुक्तिधाम महज 2 वर्ष पूर्व करीब 4 लाख की लागत से सरपंच और सचिव ने बनवाया था, जिसका अब कोई उपयोग नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि दीवारों के पत्थरों का उपयोग दूसरी जगह सड़क और पुल निर्माण में भी किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सहायक सचिव ने सरकार के खजाने से मुक्तिधाम के नाम पर पैसा निकाला और गुणवत्ता विहीन मुक्तिधाम बनवा कर कागजों में कार्य को दर्शा दिया। 1 वर्ष भी उस मुक्तिधाम का अच्छी तरीके से उपयोग नहीं हो पाया था कि बारिश के वक्त मुक्तिधाम की दीवारें गिर पड़ी। मुक्तिधाम में लगाए गए गेट को सरपंच एवं सहायक सचिव के द्वारा बेच दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत जनसुनवाई और सीईओ के पास भी की गई, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। ग्राम पंचायत धनहरा में शांति धाम बना है, यह सिगेट्रियम सरपंच के द्वारा प्रारंभ में बनवाया गया, परंतु इसमें प्रारंभ से ही गलत प्रकार के सीमेंट का ना तो इसमें प्रयोग किया गया और बालू और मिट्टी का उपयोग करके इसे बना दिया गया और कुछ ही समय में बरसात का पानी आया और यह टूट गया और उसी पत्थर का उपयोग करके 1-2 महीने बाद सरपंच और सिगेट्री यहाँ से ले गए और उसको अलग कार्यों में उसका उपयोग करने लगे, जैसे कि रोड बनवाने में, पुलिया बनवाने में और इससे भी आगे अपना घर बनवाने में इसका उपयोग करने लगे। और जब इन चीज़ों को लेकर हमें पता चला तो हमने इसका शिकायत किया, 100 नंबर पर शिकायत किया, सीओ के पास शिकायत किया, कलेक्टर के पास शिकायत किया, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम उनके पास जाते हैं, वो हमें आश्वासन देते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, परंतु इसका कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो सर यही प्रॉब्लम है, हम कहीं भी जाते हैं इसका कोई सुनवाई नहीं होता है। एक मीडिया ही हमारा माध्यम बचा है जिसको लेकर हम 10 लोगों के पास अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। जनपद पंचायत बैढ़न के सीईओ बी के सिंह ने बताया कि धनहरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के मुक्तिधाम की 2 दीवारों पर पत्थर निकाले गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुक्तिधाम के गेट को सरपंच के द्वारा एक दुकानदार को बेच दिया गया, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। मुक्तिधाम की दौर की दीवार के पत्थर निकाल लिए गए हैं, भगवान जाने बेच दिए हैं कि जो भी हुए हों। गेट के बारे में प्रथम दृष्टया इस बात की पुष्टि हुई है कि सरपंच ने गेट किसी दुकान वाले को बेचा था, दुकान वाले ने गांव में ही किसी थर्ड आदमी को बेच दिया। एहतियातन खाते उनके बंद कर दिए गए हैं, बाकी कार्रवाई शीघ्र ही 2-4 दिन में हो जाएगी। तराई अंचल के तहसील मुख्यालय जवा के पथरौड़ा में व्यापार मंडल द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन का भव्य शुभारंभ वरिष्ठ समाजसेवी राम सज्जन शुक्ला द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन तथा राष्ट्रगान गाकर किया गया। उसके बाद बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। उद्घाटन सत्र में अतिथियों का खिलाड़ियों से परिचय किया गया। शांति के प्रतीक सफेद कबूतरों को उड़ाकर मैच की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राम सज्जन शुक्ला, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर के तिवारी, केंद्र सिंह, माणिक लाल सोनी, जटाशंकर द्विवेदी, भूपेंद्र सिंह, दिनेश गुप्ता, मोतीलाल सोनी, राम नारायण सिंह उपस्थित रहे। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच ड्रोन कैमरे तथा बड़ी बड़ी LCD स्क्रीनों के माध्यम से क्रिकेट मैदान को हाईटेक बनाया गया। ये प्रतियोगिता तराई अंचल की पहली प्रतियोगिता है जिसको इतनी हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। मैच में थर्ड एम्पायर CCTV फुटेज के माध्यम से अपना फैसला सुनाएंगे। उद्घाटन मैच पुलिस बल जवा तथा व्यापार मंडल जवा के बीच खेला गया। आयोजक डॉक्टर के तिवारी ने बताया कि अंचल में खेल के प्रति लोगों का लगाव बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता कराई जा रही है। प्रतियोगिता के सफल आयोजन की तैयारी में समूचा व्यापार मंडल जवा, उनके सभी पदाधिकारी सदस्यों सहित क्षेत्र के खिलाड़ी व खेल प्रेमी मौजूद रहे। पिछले वर्ष हमारी घोषणा थी कि हम ऐसा करवाएंगे, इस वर्ष थोड़ा अच्छा हो रहा है तो हमको अच्छा लग रहा है। 6 माह के बाद आप परिणाम देखेंगे, 1-2 लड़कों का नाम है रोशन होगा। कोशिश करेंगे हम
लड़के बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक लड़का तो हमारा सिलेक्शन होते होते रह गया, वो अभी इस टीम में खेल भी रहा है। पचमढ़ी में चल रहे 6 दिवसीय पचमढ़ी उत्सव के दूसरे दिन नजामी बंधुओं ने सूफी गीतों की प्रस्तुति दी। हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अमीर खुसरो जैसे दरबारी गायक के 700 साल पुराने सिकंदरा घराने से ताल्लुक रखने वाले निजामी बंधुओं के गायन से पचमढ़ी की वादियां सूफियाना हो गई। निजामी बंधुओं ने NRC के सवाल पर कहा कि वह एक अलग मैटर है, मेरे ख्याल से वह एक अच्छी बात है और अच्छी बात नहीं भी है। निजामी बंधुओं ने NRC का अपने अलग अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि NRC का मतलब है निजामी बंधु रॉक स्टार चांद निजामी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे और वह जो करेंगे वह अच्छा करेंगे। उन्होंने कहा कि सूफी संगीत जिसे शास्त्रीय संगीत कहा जाता है वह हिंदुस्तान में खत्म हो ही नहीं सकता क्योंकि वह सूफी संतों की रूहानी रियाज है, यानी उनकी आत्मा की रियाज है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक संगीत रहेगा। सूफी संगीत जिसे हम कहते हैं शास्त्रीय संगीत, ये शास्त्रीय संगीत और सूफी संगीत दुनिया में खत्म हिंदुस्तान में खत्म हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सूफी संतों की रूहानी गिजा है, यानी उनकी आत्मा की गिजा है जो सूफी संगीत है। हजरत ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती जिनका अजमेर में स्थान है, वो जब तक सूफी कवाली या महफिल सीमा जब तक नहीं कराते थे, जब तक कवाली नहीं सुनते थे, वो भोजन नहीं करते थे, वो खाना नहीं खाते। दो दिन चार दिन हो जाए तो ये कवाली कम हो गई वो अलग बात है, लेकिन ये सूफी कवाली और जो हमारा हिंदुस्तान का शास्त्रीय संगीत है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक ये संगीत रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी संगीत रहेगा, कवाली रहेगी। निजामी बंधुओं ने मोसे नैना मिलाए के गीत पर अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद उन्होंने ख्वाजा मेरे ख्वाजा, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद बोल पर कव्वाली गायन किया। दम अली दम मेरे रश के कमर, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, जैसे गीतों की महफिल में चार चार लगा दिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।